ऐसी रेसिपी जिसे आप स्नैक्स के साथ साथ मेन कोर्स में भी सर्व कर सकें और जिसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे दुस्का की रेसिपी, जो झारखंड की ऑथेंटिक रेसिपीज में से एक है। इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसे मैंने कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया है, जिसे आप आसानी से फॉलो कर पाएंगे। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक कप चावल ले लेंगे। तो आप कोई भी चावल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो। चावल के साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे आधा कप चना दाल। तो चना दाल की क्वांटिटी चावल से बिल्कुल आधी रखनी है आपको। अब डालेंगे इसमें उड़द दाल बिना छिलके वाली। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप उड़द दाल ली है। अब डालेंगे इसमें आधा छोटी चम्मच मेथी दाना और सबको हमें अच्छी तरह से 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेना है। पानी से धोने के बाद इसे ओवरनाइट सोक करेंगे या फिर कम से कम इसे 5 से 6 घंटे के लिए ज़रूर सोक कीजिए। तो यहाँ पे इसे कवर कर दिया है, तो मैंने इसे रात भर के लिए सोक किया है और ये देखिए बिल्कुल सोक होके तैयार हो चुके हैं ये। तो अब हमें इसे ग्राइंड करना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। तो इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लगभग 1/4 कप पानी ऐड किया है मैंने और अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बारीक होना चाहिए तो दुस्का बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल महीन पीसा है मैंने। अब इसी तरह से सेम बैच को हम पीस लेंगे, लेकिन उसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं हमें। तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने दूसरे बैच को जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 6 से 7 कली लहसुन ले लिया मैंने। इसके साथ ही जाएगा इसमें 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का और यहाँ पे ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जो तीखा आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो आप 4 से 5 हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब कम पानी के साथ इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम बॉल में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले का फ्लेवर इक्वली आ जाए। अगर आप एक ही बैच में इसे पीस रहे हैं तो सारे मसाले उसी स्टेज पर आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब इस पेस्ट को हम रखेंगे रेस्ट पे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसका दुस्का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इसे रेस्ट होते हुए 20 मिनट हो चुका है। तो एक बड़े से बाउल में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। लगभग आधे मिनट के लिए इसे विस्क कर लीजिए, फोक से या फिर हैंड विस्कर से, इस तरह से। इसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऐड किया मैंने 1 छोटी चम्मच ज़ीरा। अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर मैंने 1/4 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है। अब डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। तो हल्दी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया मैंने। 1 पिंच हींग ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने क्रश करके ऐड किया है। आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं, तो वो आप 1/4 छोटी चम्मच ऐड कीजिएगा। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो मसाला डालने के बाद इसे फेंट सकते हैं, आप हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे फेंटने के लिए, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा इसे मत फेंटिए। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल गाढ़ी है। तो जब आप इसका पेस्ट बनाते हैं उस समय पानी का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए। तो इसे फ्राई करने के लिए हम 1 कप मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे। इसे ऑथेंटिकली सरसों के तेल में ही बनाया जाता है, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और इसमें मिक्सचर डालने से पहले हम उसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जितना बड़ा बनाना हो आपको, उसके अकॉर्डिंग सेंटर में ड्रॉप कीजिए मिक्सचर को। आप देखेंगे इजीली वो स्प्रेड हो जाता है। अगर ना हो तो स्पून से आप उसे फैला सकते हैं। एक डालने के बाद हम दूसरा ऐड नहीं करेंगे, तो इसे फुलाएंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है, इसके ऊपर आप तेल इस तरह से डालिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये अच्छी तरह से पूरियों की तरह फूल जाएगा। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए। जब तक एक दूसरा ना फूले तब तक आप इसमें दूसरा ऐड मत कीजिए। इससे तेल का टेम्परेचर बना रहता है और दुस्का बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इसे तेल डालते हुए हम फुला रहे हैं और साइड से ये बिल्कुल फूल चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से ये फूल चुका है। तो अब हम इसे फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। अब दूसरा भी ऐड कर देंगे इसमें। अगर आपको लगे कि तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम पर इसे कभी फ्राई मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा तेल पी लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने इसे स्पून से फैला दिया थोड़ा सा। अब सेम प्रोसेस से इसके ऊपर तेल डालते हुए इसे भी हम फुला लेंगे। इस प्रोसेस को करने से ये बहुत जल्दी फूल जाते हैं और आपके टाइम की बचत होती है, बहुत अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो पहला वाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है एक साइड से, तो उसे फ्लिप कर लेते हैं और इसे हमें बिल्कुल क्रिस्पी होते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 8 से 9 मिनट का समय लगेगा मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे मैं तीसरा भी ऐड कर रही हूँ सेम प्रोसेस से। और यहाँ पे आप देखिए तीनों फूला हुआ दुस्का तैयार है हमारा। तो यहाँ पे फ्लिप कर देते हैं सबको एक बार और इसे फ्राई होते हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है। तो ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी कलर आया है इसका। तो सबको बाहर निकाल लेते हैं और इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दुस्का बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने इसे चटनी के साथ सर्व किया है एज अ स्नैक्स, लेकिन मेन कोर्स के लिए आप इसे आलू चने की सब्जी या फिर मटन करी के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे आपको। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो बाहर का टेक्सचर आप देख ही सकते हैं और मेरे हाथों में बिल्कुल भी तेल नहीं आ रहा है, तो इसने बिल्कुल भी तेल नहीं पिया है। अगर तेल का टेम्परेचर फ्राई करते समय सही रहेगा तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होंगे। और ये देखिए अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं। तो बिल्कुल डालने के बाद आप इसके ऊपर तेल स्प्रेड कीजिए, बहुत अच्छी तरह से फूलेंगे भी, बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।